आज हम बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट स्पॉन्जी और जालीदार ढोकला, जिसे मैंने व्रत के लिए बनाया है और ये सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच तेल में बनके तैयार हो जाएगा। और उसी के साथ में हम एक चटनी भी बनाएंगे जिसे आप इन ढोकलों के साथ में इंजॉय कर सकते हो। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे आधा कप भगर। भगर को कई घरों में मूर्धन या फिर मुरैया के नाम से भी बोला जाता है। उसी के साथ में 1/4 कप साबुदाना लिया है और इन दोनों चीजों को अब हम पानी डाल के अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। अब इसका सारा पानी मैं हटा दूंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप दही। अब साबुदाना और भगर को दही के साथ में हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप देखें कि मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन दही डालने के बाद में आपका मिक्सचर गाढ़ा ही रहता है, साबुदाना और भगर भीगते नहीं है अच्छे से, तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। अब इसे हम 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1 घंटा भी छोड़ सकते हो। जब तक हमारा साबुदाना सोख होता है तब तक हम हमारी चटनी बना के तैयार करेंगे। तो एक मिक्सर के जार में मैंने ली है भुनी हुई मूंगफली 1/4 कप, 1/4 कप अमरूद लिया है, अगर आपके पास में है तो डालें वरना स्किप कर दें। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक, और 1 मुट्ठी भर के इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। उसी के साथ हम नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच गुड़ डाल देंगे। अगर आप चीनी खाते हो तो आप चीनी भी डाल सकते हो। उसी के साथ में मैं नींबू का रस डालूंगी। अच्छा, अगर व्रत में आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब इस चटनी को हम थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। शुरुआत में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बाद में इसमें पानी डाल के आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लो। अब ये चटनी तैयार है। मुझे इसकी थिकनेस परफेक्ट लग रही है। अगर आपको और पतली चटनी चाहिए तो आप इसमें पानी मिला के इसे पतला कर सकते हो। अब मैंने 20 मिनट के बाद में भगर और ये साबुदाने के मिक्सचर को चेक किया है, तो ये अच्छे से सोख हो चुका है। तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी एक मिक्सर के जार में। उसी के साथ में हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, मतलब आपको जितना तीखा पसंद है आप उतनी मिर्ची डालें। इसी के साथ में मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट और अब इसे एकदम बारीक पीस के तैयार करूंगी। आप भी इसे एकदम फाइन पीस लें। अगर थोड़ा बहुत साबुदाना दिख रहा है मोटा मोटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसी जार में मैंने 1/4 कप पानी मिला के इस बैटर में मिक्स कर दिया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब इसमें मिलाएंगे हम 1/2 टीस्पून इनो। अगर इनो नहीं है तो आप उसकी जगह 1/4 टीस्पून सोडा भी ऐड कर सकते हो। अब आपको इनो मिलाने से पहले 2 चीज़ें करनी है। एक तो आप ढोकला जिसमें स्टीम करने वाले हो वो स्टीमर में पानी पहले से गर्म रख दो, और दूसरा ढोकले की प्लेट में अच्छे से ऑयल लगा के उसे ग्रीस कर लो, क्योंकि इनो मिलाने के बाद में हमें इस ढोकले को तुरंत ही स्टीम करना है। अभी मैं फिर से इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। इस बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी ही पतली होती है। ये ढोकला हमारे नॉर्मल ढोकले से थोड़ा सा अलग होता है, मतलब उतना गाढ़ा इसका बैटर नहीं होता है। ये बैटर मेरा एक ही प्लेट में पूरा आ गया था तो मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। अगर आपको पतला ढोकला बनाना है तो आप 2 प्लेट में भी ढोकला को स्टीम कर सकते हो। इसी के साथ में मैं इसके ऊपर डाल दूंगी लाल मिर्ची का पाउडर। अब हम इसको स्टीम करेंगे। ये देखिए, स्टीमर में भी पानी गर्म हो गया है, तो आपको भी इनो डालने से पहले आपका स्टीमर रेडी करना है। अब इसके अंदर मैं ये ढोकला की प्लेट रख दूंगी और इसे ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी। अब हम इसको 15 मिनट के बाद ही खोलेंगे। आप बीच बीच में इसको खोल के ना चेक करें। अभी आप देखो, 15 मिनट के बाद में मैंने इसे देखा, बहुत अच्छे से हमारा ढोकला फूल गया था। अब इसे एक नाइफ से या स्क्यूअर से हम चेक कर लेंगे कि हमारा बैटर इसमें लग तो नहीं रहा है। ये देखिए, एकदम से क्लीन आ रहा है, मतलब हमारा ढोकला अच्छे से स्टीम होके तैयार है। अब मैं इसे बहुत ही आराम से निकालूंगी क्योंकि ये बहुत गर्म था। अब इसे हम साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये अच्छे से ठंडा होगा, उसके बाद में हम इसे कट करेंगे। मैंने इस ढोकले को 10 मिनट के बाद में कट किया। अब आपको काटने से समझ में आ रहा होगा कि ढोकला बहुत ही जालीदार, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना हुआ है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में बन जाता है और कुछ तो अलग होता है। मतलब हम हमेशा साबुदाना खाते हैं, साबुदाना वड़ा खाते हैं या खिचड़ी खाते हैं, तो उससे ये कुछ अलग है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हो, छोटा कट कर सकते हो या बड़ा भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्क्वायर पीसेस करे हुए थे। अब ये ढोकला रेडी है, तो अब हम इसका तड़का बना लेंगे। तो एक पैन गरम करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे।
जैसे ही हमारा तेल हल्का गर्म हो जाएगा उसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच जीरा, उसी के साथ में दो हरी मिर्चें बीच से कटी हुई और कुछ कड़ी पत्ता। इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सफ़ेद तिल। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा तड़का तैयार है, तो ये तड़का हम तुरंत ही हमारे ढोकले के ऊपर डाल देंगे। अब इस तड़के को एक चम्मच की मदद से हम सब तरफ फैला देंगे ढोकले के ऊपर। अब इसके ऊपर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब आपको मैं ये ढोकला निकाल के दिखाती हूँ। नीचे से भी बिल्कुल भी नहीं चिपका है ढोकला, बहुत आराम से निकल गया था। तो इसके लिए आप जिस भी प्लेट में ढोकला को स्टीम करेंगे तो उसे तेल से आप अच्छे से ग्रीस करिएगा। अब ये वीडियो एडिट करते हुए मैं ये ढोकला देख रही हूँ तो मुझे ये ढोकला फिर से खाने की इच्छा हो रही है। सचमुच ये ढोकला बहुत बहुत टेस्टी बना था। तो आप भी इस ढोकले की रेसिपी को प्लीज़ प्लीज़ ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में ऐसे नई नई रेसिपी शेयर करती रहूं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।